अस्सलाम वालेकुम। आज 3 दिसंबर है, हफ्ते का दिन है, रात के 8 बज रहे हैं। इस वक्त हम कराची के लिए जा रहे हैं, गाड़ी में बच्चे बैठे हुए, सामान लोड कर दिया है और न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से हम अभी जाएंगे कराची के लिए। तुर्किश एयरलाइंस में हमने बुकिंग की है, मैं और मेरी मिसेज जा रहे हैं, भतीजे और भांजी की शादी है, सब लोग यहाँ बैठ रहे हैं, सामान हमने लोड कर दिया है और आगे का सवाल मैं आपको बताता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूयॉर्क इंटरनेशनल लिबर्टी एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं, तकरीबन 9:05 बाकी है, हमारी 12 बजे की फ्लाइट है 12:25 पे तुर्किश एयरलाइन की। मैं और मेरी मिसेज जा रहे हैं कराची, बेटा हमारा छोड़ने के लिए आया है, दानियल ड्राइव कर रहा है गाड़ी। बहुत बड़ा एयरपोर्ट है माशाल्लाह, ये भी बहुत जदीद टेक्नोलॉजी पे बनाया गया है, सेल्फ चेकिंग भी रखी है यहाँ पे, बोर्डिंग पास आप सेल्फ तरीके से बना सकते हैं, खुद कंप्यूटराइज पे जाके। नया आदमी तो समझ लो यहाँ पे आ ही नहीं सकता, इतने रोड और इतने पुल बने हुए हैं कि आदमी हालांकि नेविगेशन की इंस्ट्रक्शन पे चल रहे होते हैं मगर इतना जल्दी टर्निंग होती है कि रास्ता निकल जाता है। हम अपने टर्मिनल तक पहुंचने वाले हैं, दुनिया भर की फ्लाइटें यहां से जाती हैं। बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट है ये, अभी इसकी रिनोवेशन भी हुई है और हमारे यहाँ के गवर्नर मर्फी फिल मर्सी ने रिबन कटिंग की है। तुर्किश एयरलाइन का ये है, कहाँ लिखा हुआ है, ये तुर्किश लिखा हुआ ये है, यही है गेट हमारा। चलो अल्लाह का फजल है, पहुँच गए हम लोग। लेते हैं ये गेट भी है हमारी तुर्किश एयरलाइन का गेट, बेटा गाड़ी लगा रहा है यार, ये सामान रख दिया हमने। बेटा हमारा गाड़ी का पानी पार्क कर दी है, चलते हैं अल्लाह के नाम से। इस्तांबुल जाना है, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत एयरपोर्ट है। सामान लोड हो रहा है हमारा, अभी
अभी हमने यहाँ से बोर्डिंग ले लिया है पास और गेट 62 की तरफ हम जाएंगे। बड़ा खूबसूरत एयरपोर्ट है ये माशाल्लाह। गेट 62 पे जा रहे हैं। एयर ट्रेन भी यहाँ से जाती है। सारे गेट यहाँ पर है। मैंने अपना सामान जहाज में लोड करा दिया है। स्टारबक्स यहाँ सबसे मशहूर, कॉफी वगैरह हर चीज मिलती है। लेबरेटरी ट्रेस है यहाँ पे, दिखेगी ये फैमिली बेकरी है। यहाँ पे सारे ब्रांड है जितने भी। गेट 51 से 57 है। एक बात और बता दूँ, ये वही एयरपोर्ट है जो 9/11 में हाईजैकरों ने वर्ल्ड टावर को जो गिराया था वो यहाँ से जहाज गया था, इसी एयरपोर्ट से। डिफरेंट शॉप्स भी यहाँ पर है काफी। अभी हाल ही में रिनोवेट हुआ है। न्यू वर्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये न्यू जर्सी में है। ये न्यूयॉर्क और लगार्डिया जो है न्यूयॉर्क में है। ये हमें सूट भी करता है क्योंकि हम न्यू जर्सी में रहते हैं, तो हमारे लिए सबसे अच्छा यही एयरपोर्ट है, न्यूयॉर्क लिबर्टी इंटरनेशनल। ये अराइवल वाले लोग नीचे से आ रहे हैं, हम डिपार्चर वाले लोग ऊपर से। कोविड की इंस्ट्रक्शन है। लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो पुराना नाम था वो था न्यूयॉर्क मेट्रोपॉलिटन एयरपोर्ट, अब इसका नाम न्यूयॉर्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया है। इस एयरपोर्ट का कोड है EWR, जैसे आप वहां का जो है न्यूयॉर्क का जॉन एफ कैनेडी का JFK है, इसी तरह यहाँ का EWR है। और न्यूयॉर्क में एक और एयरपोर्ट है लागार्डिया, इसका LGA है कोड नंबर। हमारी चेकिंग भी हो गई, बोर्डिंग भी कार्ड भी मिल गया, अब हम वेट कर रहे हैं जहाज की रवानगी का।
मैं यहाँ से कुछ कॉफी वगैरह ले लूँ। अच्छा, इस एयरपोर्ट के जो है 33 गेट है और टच सिस्टम से सिक्योरिटी सारा है यहाँ पे, सब बहुत बड़ा एयरपोर्ट है माशाल्लाह। इसको ऑन जो करते हैं ना इस एयरपोर्ट को, वो न्यूयॉर्क सिटी ऑफ न्यूयॉर्क और एलिजाबेथ करते हैं और इसको मैनेज कर रहे हैं पोर्ट अथॉरिटी न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी। देखिए माशाल्लाह इस वक्त रात है, चार साल के बाद जो है इसमें रेनोवेशन हुई है और इसमें जो अभी जो एक्सपेंसेस आए हैं $2.7 बिलियन यानी 27 अरब डॉलर इस पे, इस रेनोवेशन पे अभी इस पे खर्चा हुआ है। चार साल हुए हैं अभी इसको बने हुए और अभी थोड़ा बाकी है। अभी इसकी रिबन कटिंग सेरेमनी हुई थी जो हमारे यहाँ के गवर्नर साहब ने की थी। इसमें प्ले एरिया भी है बच्चों के लिए और बहुत ही जदीद टेक्नोलॉजी पर है। 15 नवंबर 2022 की को इसको इसकी रिबन कटिंग सेरेमनी हुई थी। मार्फी हमारे यहाँ गवर्नर है न्यू जर्सी के, उन्होंने की थी। दूसरे जहाज के लोग भी जाने के लिए तैयार हैं। बहुत बड़ा एयरपोर्ट है माशाल्लाह। रेंटल कार, होटल, शटल, ट्रांजिट ऑफ सिटी, लाउंजेस, बड़े लाउंज हैं यहाँ पे, सेनेटर लाउंज है, बिजनेस लाउंज है। जो कार्ड होते हैं यहाँ पे लॉयल्टी कार्ड वगैरह, तो यहाँ से वाउचर मिलते हैं इन लोगों को जिनके पास कार्ड होते हैं अमेरिकन एक्सप्रेस के, ये वो। फैसिलिटेट ऑफ पोर्ट अथॉरिटी न्यूयॉर्क एंड न्यू जर्सी, ये यहाँ इनके पास ट्रेन का भी सारा इन्हीं के हाथ में सिस्टम है और बसों का भी पोर्ट अथॉरिटी के पास सिस्टम है, सारा यही मैनेज करते हैं सब कुछ ये। Our graduation will be Istanbul approximately 10 hours and we have planned to announce it after.
acil tahliye durumunda çıkış işaretlerini ve sınırdaki yol gösteren ışıkları takip ederek uçağı terk edilir. Uçağı terk ederken hızlı tahliyeyi sağlamak için el bagajınızı, yüksek topuklu ayakkabınızı ve üzerinizdeki tüm sivri çizileri koyabilirsiniz. Cendelerinizi korkunuzu gösterilen yerinde bulabilirsiniz. Gerekli durumlarda deliği başınızdan geçiriniz, bantları öndeki bağlantı yerlerine takınız ve ayarlayınız. Can yeleğini uçağı terk etmeden hemen önce kırmızı kollardan çekerek, şişmezse lastik boru veya borulardan tutuyorak şişiriniz. İşaret ışığı suyla temas ettiği yerde. Bebeklerinize can yeleği kabin ekibi tarafından verilir. Lütfen sadece acil bir durumda bebeğinize can yeleğini indiriniz ve hemen şişiriniz. Çıkışlarda kabin ekibi tarafından acil bir durumda aktif hale getirilecek otomatik şişen kaydıraklar bulunur. Kalkış ve iniş öncesinde güneşliğinizi açıp masanızı kapalı, koltuğunuzu bu duruma getiriniz. Ayak desteği, ekran ve kumandası yerine yerleştiriniz. Bilginiz için teşekkür ederiz. Daha fazla bilgi için koltuk cebinde bulunan emniyet kartını okuyunuz. Uçuşunuz boyunca lütfen tüm uyarı işaretlerine ve kabin ekibinin yönlendirmelerine uyunuz. Keyifli yolculuklar dileriz. Engelli yolcularımız kendilerine özel hazırlanan emniyet filmini uçak içi eğlence sisteminde bulabilir veya daha fazla bilgi için kabin ekibiyle iletişim kurabilirler. Ladies and gentlemen, welcome on board this Turkish Airlines flight. We would like to draw your attention to the safety information you need to follow during this flight. Please stow your handbags carefully in the overhead compartment. You can place smaller items under the seats in front of you. When the seatbelt sign is on, please fasten and adjust your seatbelt as shown. Keep your seatbelt fastened and visible until the seatbelt sign is off. When needed, you can release it as shown. Before the flight, extension and wrist belts are given out by the cabin crew. Please switch your mobile phones and all other electronic devices to flight mode. Mobile phones and other electronic devices without a flight mode must be switched off. Before takeoff and landing, Istanbul जाने के लिए चार जगह बैठ चुके हैं. ये न्यूयॉर्क का एयरपोर्ट है. अभी यहाँ से रवाना होंगे हम लोग इस्तांबुल के लिए. ये लाइन में लग गए हम लोग. İyi akşamlar hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar. Uçağımıza hoş geldiniz. Kaptanımız konuşuyor. Ben Sabri Altay. Üçüncü değerli kaptanlarım. Onlar izinli. Bora Dölenç'le birlikte icra edeceğiz. Hazırsanız kaptanımız sayılır. Kaptanımız saçma geçeceğiz. Kapanımız kapatın. Biz taşına doğru takipimize başlayalım. İstanbul buluşunca yaklaşık 10 saat bilgi bulup uçuş istihdamımızın kademe var. 9. olacak şekilde planladık. Alçanmadan önce sizlere İstanbul'da ilgili son havada bilgilerini arz edeceğim.